हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक। और ये केक मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ ये केक कैसे बनता है और इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये है प्लेन फ्लावर, मैदा, और इस कप से मैं एक कप ले रही हूँ, और ये मैदा मैं इसमें डालूँगी छलनी में। ये है बेकिंग सोडा, ये मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ, हाफ टी स्पून। ये है बेकिंग पाउडर, ये भी मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ। ये है कोका पाउडर, और कोका पाउडर मैं मिल्क में डालूंगी। ये है 100 ml मिल्क, इसमें मैं कोका पाउडर मिक्स करूंगी। अब ये देखिए मैदा, प्लेन फ्लावर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 कप मैदा, ये मैं छलनी से छाल चुकी हूँ, इसको मैं अलग रख रही हूँ। और ये है थोड़ा हल्का गर्म दूध, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ये कोका पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक से मिक्स करना है, और दूध हल्का गर्म होना चाहिए, नहीं तो ठीक से मिक्स नहीं होगा। अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ मिक्सिंग बाउल में, 200 शुगर है, 200 ग्राम, बिकॉज ये चीनी पाउडर है, शुगर पाउडर। अगर कोई नॉर्मल शुगर यूज़ कर रहा चीनी, तो 100 डालना है, 1 कप है। और ये है बटर, पहले से मैं मेल्ट करके रखी हूँ, इसको मैं 60 ml डाल रही हूँ। बटर ये देखिए 60 है। और ये है योगर्ट, दही, और इसमें डालने के लिए दही थिक होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ी दही, ये मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ये देखिए 3 टेबलस्पून गाढ़ी दही है, फुल क्रीम। ओके, मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ये ज़रूरी नहीं है, अच्छी स्मेल के लिए डालते हैं, अगर किसी के पास नहीं है, नहीं मिल पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है, इससे केक का स्मेल और अच्छा हो जाता है। मैं सारा ठीक से इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ये कोका और मिल्क डालूंगी, कोका पाउडर। अब इसको मैं ठीक से मिक्स कर रही हूँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये फ्लावर डालूंगी, मैदा और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। एक बार में डालने से ठीक से मिक्स नहीं होता है। कुछ लोग इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डालते हैं, 1 टीस्पून गरम पानी में घोल के।
ओके, तो देखिए ये ठीक से मिक्स हो गया है। मैं इसको बेकिंग ट्रे में डालूंगी। उसके पहले मैं इसको बटर से ग्रीस करूंगी, इसमें बटर लगाऊंगी। कुछ लोग इसमें बेकिंग पेपर भी रखते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आटा डालूंगी, सॉरी मैदा, प्लेन फ्लावर लाइक हाफ स्पून, और चारों तरफ से इसको मैं ऐसे मिक्स करूंगी। ये देखिए, ये जो बचा मैदा है इसको मैं निकाल दूंगी अभी। अब ये मैदा चारों तरफ से लग गया। अब इसमें मैं ये डालूंगी, और ये देखिए ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा गाढ़ा है। ये देखिए, इसको मैं ले जा रही हूँ कुकर में रखने। उसके पहले मैं दो बार इसको टैप करूँगी जिससे कोई ऐस के अंदर मत रहे। और ये है डार्क चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट है। ये मेजरिंग कप से एक कप है। और ये है व्हिपिंग क्रीम 200, इसका मे बी मैं 100 यूज़ करूँगी। इसको गर्म करके इसमें मैं मिक्स करूँगी। और ये है चेरी, ये मैं केक के ऊपर लगाऊँगी। ये है शुगर पाउडर, आइसिंग शुगर, ये भी मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं केक को कुकर में रखती हूँ। ओके, मैं फायर ऑन कर रही हूँ और कुकर में पहले से नमक है। ये नमक मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, 250 एक पाव नमक है देखिए। और कुकर में मैं रबड़ निकाल के, ये देखिए, ये सीटी मैं यूज़ कर रही हूँ। हाई मीडियम पे रहेगा। इसको 5 मिनट तक प्रीहीट करना है, जैसे ओवन प्रीहीट होता है। और ये है स्टैंड, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर किसी के पास ये स्टैंड नहीं है तो वो कोई भी कटोरी या प्लेट भी मैं दिखा रही हूँ, जैसे ऐसे उल्टा करके उसके ऊपर भी केक रख सकता है। मेरे पास है, मैं यूज़ कर रही हूँ। तब मैं कुकर को ढक के 5 से 10 मिनट तक इसको गर्म करूंगी। जब तक कुकर पूरी तरह गर्म नहीं हो जाएगा तब तक केक नहीं डालना है। ये देखिए फायर तेज है। ओके, तो ये कुकर गर्म हो गया है। अब मैं फायर स्लो कर रही हूँ। और कुकर को 25 से 30 मिनट तक कुक करना है। 20 से 25 मिनट तक एक एक कुक होगा। और ये रबर कुकर का निकला है, उस पर विसल लगा है सीटी। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये देखिए, अब आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो अब आधा घंटा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ फायर को ऑफ करने, और मैं चेक करने जा रही हूँ केक कुक हो गया है। और ये देखिए, इसमें नाइफ डाल के मैं देखती हूँ। ये देखिए, नाइफ में कुछ नहीं लगा है और हमारा केक अच्छी तरह से कुक हो गया है। ओके, तो अब ये केक बनके रेडी है, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको इसमें से निकाल के रखूंगी। और उससे पहले मैं चारों तरफ इसको निकाल दे रही हूँ, अगर आसानी से केक निकल जाएगा। अब बहुत अच्छा केक बना है।
और ये देखिए नीचे से भी कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा केक बना है। और केक अभी थोड़ा गर्म है तो 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं चॉकलेट सिरप डाल के इसको डेकोरेट करूंगी। ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक बना है। ओके, ये डार्क चॉकलेट है और इस कप से मैं 1 कप ली हूँ 200, और ये है व्हिपिंग क्रीम, ये मैं 100 ml ले रही हूँ और मैं इसको मिक्स करके माइक्रोवेव में कुछ देर के लिए मेल्ट करूँगी चॉकलेट। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर भी यूज़ कर सकते हैं गर्म पानी के ऊपर रख के। तो मैं इसको जा रही हूँ माइक्रोवेव में डालने मेल्ट होने के लिए। अब ये चॉकलेट सिरप 10 मिनट फ्रिज में था, अब मैं इसको केक के ऊपर डालूंगी। ये ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको कट कर दे रही हूँ। और केक डेकोरेशन के लिए ये अपना चॉइस है किसको कैसे सजाना है। मैं बहुत बेसिक और सिंपल केक बना रही हूँ, मैं इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा आइसिंग और चेरीज। आप अपने हिसाब से अपने तरीके से केक को सजा सकते हैं जैसा जिसको पसंद है। मैं इसके ऊपर ये चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। ओके, तो अब देखिए ये चॉकलेट सिरप केक के ऊपर ठीक से लग गया है। और 5 मिनट के लिए ये केक मैं फ्रिज में रखी थी, थोड़ा ये सेट हो गया है। एक्चुअली 10 मिनट रखना है और मैं 5 मिनट ही रखी हूँ। अब मैं इसके ऊपर शुगर पाउडर, थोड़ा सा आइसिंग शुगर डालूंगी। ये देखिए के ऊपर कुछ चेरी रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से केक को डेकोरेट कर सकते हैं जैसा जिसको पसंद है। ओके, तब देखिए चॉकलेट केक बनके रेडी है। आई होप ये केक आपको पसंद आए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। Thank you.